इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद क्या से क्या हुआ, इन दो तस्वीरों से हम आपको बताएंगे कि एक तरफ वहां के टॉप एथलीट जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज उठाया था, अब वो शरणार्थी बनने को मजबूर हो चुकी हैं। तो वहीं एक फुटबॉलर की दर्दनाक मौत भी हो गई। फुटबॉलर जाकी अनवारी की 16 अगस्त को अमेरिकी प्लेन से गिरने की वजह से मौत हुई थी। दरअसल 16 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में अफरा तफरी मच गई थी। हर कोई देश छोड़कर भागना चाहता था और ऐसे में युवा फुटबॉलर जाकी अनवारी भी प्लेन में बैठने काबुल एयरपोर्ट पहुंच गया। भगदड़ के बीच अमेरिकी प्लेन में जगह नहीं मिली तो वो दो लोगों के साथ प्लेन के विंग्स के पास, टायर के पास बैठा रहा और जैसे ही प्लेन हवा में उड़ा, तीन लोग गिरे और इनमें से एक की पहचान फुटबॉलर जाकी अनवारी के रूप में हुई है, जो जो कि अफगानिस्तान के लिए खेला करता था। तो अफगानिस्तान का एक युवा चेहरा, एक उभरता सितारा फुटबॉलर जाकी अनवारी, जिसका नाम बताया जा रहा है, जो इस युवा लड़के की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही शख्स है जिसकी प्लेन से गिरने से मौत हुई। दो दिन पहले की वो दर्दनाक तस्वीरें शायद ही आप भूल पाएं, जिसमें उड़ते जहाज से दो शख्स नीचे गिरे और दर्दनाक मौत हुई उनकी। और जो पहचान अब सामने आई है कि उनमें से एक इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉलर था, ये युवा फुटबॉलर था जिसका नाम जाकी अनवारी बताया जा रहा है और इसकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीर शायद ही आप भूल पाएंगे कि उड़ते जहाज में से किस तरह से दो लोगों की गिरने से मौत हो गई, जो जान बचाने के लिए प्लेन के अंदर जब जगह नहीं मिली तो प्लेन के टायर के पास, जो विंग्स के नीचे की जगह होती है, वहां बैठकर अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका जाना चाहते थे, अपनी जान बचाना चाहते थे, तालिबान से बचना चाहते थे। और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने वाली एक शख्स अब शरणार्थी बनने को मजबूर हो गई है। अफगानिस्तान से जो दिल दहलाने वाली तस्वीरें आ रही हैं, वो दहशत के बीच जिंदगी की जद्दोजहद की तस्वीरें हैं। ये वीडियो जितना हैरान कर देने वाला है, उससे ज्यादा परेशान भी कर सकता है। एक प्लेन से लोग लटकते नजर आए, उड़ते प्लेन से लोग गिर रहे हैं। 16 अगस्त को जिस तरह से फुटबॉलर जाकी अनवारी की मौत हुई, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर आकाश में उड़ रहा था, उड़ते प्लेन से तीन अफगान नागरिक गिरते नजर आए। अब ये पता चला है कि इन तीन में से एक शख्स अफगानिस्तान की नेशनल फुटबॉल टीम का प्लेयर था। अब दोनों ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप जाकी की तस्वीर देखिए, जाकी वो शख्स है जो उस दिन इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ, और दूसरी तरफ दिल दहला देने वाली वो दर्दनाक तस्वीर जिसमें अमेरिकी विमान जो है C-17, इसमें ग्लोब मास्टर में कई लोग सवार थे, लेकिन जिन लोगों को अंदर जगह नहीं मिल पाई, वो तालिबान की से बचने के लिए हर हाल में अफगानिस्तान छोड़ना चाह रहे थे और इसीलिए C-17 विमान की विंग्स के पास बैठ गए और जाकी की इसी दौरान दर्दनाक मौत हो गई। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में रहते हुए जाकी मैदान पर हमेशा विपक्षी टीम से लोहा लिया करता था और आतंकी तालिबानियों के सामने भी कतई झुकना नहीं चाहता था, और इसीलिए उसने देश छोड़ने का फैसला किया और भीड़ में शामिल लोगों की तरह अमेरिकी विमान से लटक गया। C-17 प्लेन से उड़ान भरने से पहले प्लेन के टायर के ऊपर बनी जगह पर वो सवार हो गया था। ये फैसला हालांकि बहुत घातक था और जिंदगी उसे अपनी हमेशा हमेशा के लिए गंवानी पड़ी, जिसके बाद अब जाकी के घर में मातम का माहौल है। जिस शख्स की छत पर जाकी अनवारी गिरा, उस घर की दीवारों पर दरारें पड़ गई हैं। खब खबरस्तान 5 फैमिली वाकयास देखा एक वाकये से और ट्रेजेडी से परी करें जमाने के मैं दौदूद सोते 11 و 12 نیم بجه بود دیگه تیاره فکر کنم نظامی امریکایی وقتی که پرواز میکردن یک تعداد هموطنهای ما بالای بال از این خدا گرفته بودن یا ای که محکم کرده بودن و زمانی که از این قسمت تیر میشه یا سقوط میکنن دیگه ما در خانه استراحت بودم و یک صدای بسیار وحشتناک مثل انفجار وره یک صدا شد تو ما برآمدم سر بالکن وقتی اطراف مسایی کردم که انفجار چیز نیست دیگه همسایه صدا کردن که سر بام تان کدام واقع افتیده دیگه هر گفته سر بام تان هست ما ورخطا برآمدم طرف بام که برآمدم متوجه شدم که بوت هست و واسکت دیگه پا هر طرف افتیدن
उस परिवार के दर्द को आप महसूस करिए जिसने अपने बेटे को इस तरह दर्दनाक तरीके से खोया। जाकी के पिता ने कहा है कि एक बच्चे को बड़ा करने में सब कुछ खप जाता है और अब बेटे की दर्दनाक मौत के बाद वो करेंगे क्या? وان راغله مسئولین راغله دول د ځوانان مخنی نس د خو د منګه تاسو د افغانستان آینده د سرمایه د منګه تاسو سرمایه چې تیاری ولګي د منګه تاسو ځوانان چې په مرمه ولګي نو د افغانستان چا د ضرورت لري دا به چا د خدای په کړه امید وکي نو د منګه ډیر منګه دردوی چې دغه تیاری چې د هر مملکتي کدي مسلمان مملکتي کدي کوپر مملکت د منګه یګونه درخواست خوښ دلنه چې یو موټر چې مسلمان وړکای موټر چې په نامه د مرسیډیز یغه کینلر لري یغه کنټرولر لري دا تیاری چې په کده ګزدر نفر دوه نفر زې په ځای کېږي دا نه څوک نه لري نه ترافیک لري نه کنټرول لري نه هغه لري بیا دغه چې دا چې یو بڑکای موټر د شیشه عقب وته چې دا مکمل تایر چې په دغه 2000 نفر زویږي نو د خپل چر اترپ کنه چې د تایر په ځای کې د څنګه پرسنل ځای په ځای د په کوم قانون باندې پرواز وکړ څنګه اجازه ده د ورکړ شو چې ته پرواز وکړ تقریبا موږ په تلویزیون فیسبوک کې نو د 40 نفر زونه نو سي د شهید ډاکټر صدا محمد ورور يم سالی ریش پینزی و شکال ده عمر و دیر کم عمر لمانه تقریبا شپا کال غرط و شپا کالو که دست دقا چون نشه را سر رسو پیدا شام خوب بعد پیشن دو ما سر اروری نکال اندیوالی که والا دیده نشتون ما در دیر غرط صدمه رسیدلی هیچ تحمل وایم نشم جون بکه او زکا یه رقم جون نده او دا ما سر دیر پخه تو غی وروری مختبه ولیده ماست هر چه ضرورت و ماده پیرا کرد دو ورځې مخکې چې دا شهادت رسیږي لغه نه مخکې नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।